सर के मुतैसी जिन्होंने लैके अच जिनकी पार्टी वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं गुरमीत लाल बिट्टू प्रधान एकता पार्टी और पंजाब की समुची टीम जी है एकता पार्टी से बैठी पई है, क्योंकि एकता पार्टी ने एक फैसला किया, क्योंकि जरा मणिपुर के अज तो 2.5 महीने पहला बहुत व्डा मैं समझदा एक बड़ा हादसा होया सीगा, जिदे विच मैं समझदा पूरा मणिपुर जरा वा वो सड़ के जरा सवाह हो गया सीगा, जिदे विच मैं समझदा काफ़ी लोगों दियां उत्थे मौतां होईयां और लेडीज़ परिवारां नूं मैं समझदा बहुत उत्थे जलील किया गया, धार्मिक स्थानां दा उत्थे बहुत नुकसान किया गया, पर मैं समझदा वो 2.5 महीने बीतन तो बाद भी जिदन ये हादसा एडा वड्डा होया सीगा उदन नरेंद्र मोदी जड़ा अमेरिका दे विच अपनियां रंग रलियां मना रहा सी उत्थे बह के, पर मैं समझदा उहदे तो बाद भी नरेंद्र मोदी दी अखां नहीं खुली अज तक कि उत्थे लोग किदां तड़प तड़प के लोग मरे आ, किदां आपस च उहनां दा टकरार होया, किदां लेडी दियां उत्थे मैं समझदा बेदबियां कीतियां गईयां, पर यह जिहड़ा नरेंद्र मोदी इहनूं शर्म आनी चाहीदी है कि जिहड़ा दिहाड़ी च 3-3 सूट बदलदा। लोग कहिंदे कि नरेंद्र मोदी चाह वेचदा सीगा, मैं बीजेपी लीडरां नूं पुछदा जां हिंदुस्तान दे लीडरां नूं पुछदा वी इहनूं किसे ने चाह बणांदे वेचिया देखिया हैगा अज तक, क्योंकि जिन्ना नुकसान नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान दा कीता 9 साल दे विच, पहलां ते इहने 500 दे नोट बंद करा के काफ़ी लोगों दीआं मौतां उदों होईआं, क्योंकि सिर्फ ये अमीरां लोगों नूं फायदा पहुँचाता, उस तो बाद इहने 2000 दा नोट बंद करता, करोना दे विच सिर्फ लेडी नूं 500 रुपया दे के ये वाह वाही खट्टन दे लोग जिहड़े मैं समझदा इहनां बीजेपी दे मूँह ते चपेड़ मारनी चाहीदी आ कि जो मणिपुर दे विच हालात होए, पर पंजाब बंद दी जदों सारियां पार्टियां ने गल्लां कीतियां कि मैं समझदा कि वधिया गल आ, देखो वी जो पंजाब बंद होया सारियां पार्टियां ने कीता, पर मैं वो सारियां पार्टियां नूं ये बेनती करदा कि तुसीं किसे ने भी ये गल कही आ कि उत्थे जिहड़ा नुकसान होया वो हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैगा, मैं समझा जिथे नरेंद्र मोदी रहिंदा जे उत्थे इहो जी वारदात होवे ते फिर इहनां लोकां नूं छड़कां दे आ के बहि जांदा वा, इह इही कही जांदे आ कि 9 साल हो गए आ उत्थे आह कैंप ला दिओ उत्थे आह कैंप ला दिओ। साडी एकता पार्टी की यह डिमांड हैगी है भी जड़े मणिपुर के जिन्हां दीआं मौतां होईआं पैदार ते उन्हां नूं करोड़ करोड़ रुपया जड़ा उस परिवारां नूं जड़ा वै पैसे मिलने चाहीदे वै, उस परिवार के जीआं नूं नौकरियां मिलनियां चाहीदियां, और जिन्हां लोगों के मकानां दे जां वड्डियां वड्डियां मोलां दा नुकसान होया वह हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी मैं समझदा तुरंत जड़ा उत्थे देना चाहीदा वा। सिर्फ नरेंद्र मोदी इक्को ही कही जांदा वा असी गरीबां नाल खड़े हाँ, असी गरीबां नाल खड़े हाँ, नरेंद्र मोदी सानूं एक ही दस दिओ वी कड़े गरीब की मदद कीती है, उत्थे मणिपुर पूरा सड़ के सवाह हो गया, तुसीं ते कहिंदे दवानी तक नहीं भेजी, सिर्फ तुसीं ये कही जांदे आ कि असी टीम भेजती उत्थे टीम भेजती है, उत्थे टीम की लोड़ नहीं हैगी, लोगों नूं उत्थे पैसे की लोड़ है अपने कारोबार चलाउण वास्ते, लोगों नूं मदद की लोड़ हैगी है। इस संबंधी मैं समझदा भी एकता पार्टी ने फैसला किया भी बुधवार को सवेरे 12 बजे नरेंद्र मोदी जिहड़ा प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान का जिहड़े कहिंदे चाह वेचदा वो चाह थोड़ी वेचदा वा वो तो लोगों नूं बर्बाद करदा पिया वा, इस करके एक तो उदों इहदा पिट स्यापा किया जाऊगा और इहदी अर्थी बना के मार्कफेड चौंक दे विच अर्थी साड़ी जाऊगी, वो उत्थे मैं समझदा एक घड़ा भन्निया जाऊगा, इहनूं दस्सिया जाऊगा भी जो हालात उत्थे होए आ वो हालात तेरे नाल बनने चाहिए आ, ये एकता पार्टी ने फैसला किया। एक मैं होर बेनती करना चाहना भी जड़े लोगों ने उधर बंद कराया सीगा पर लोग थोड़े शरारती बंदे जड़े आ वो लोगों का नाँ लै लै के जिन्हों पता ही नहीं है कि मुद्दा की हैगा वा कड़े मुद्दे ते गल करनी है, मुद्दा कोई है छेड़ी कोई जाते हैं, असी पुलिस प्रशासन में बेनती करते हैं SSP साहब नूं बेनती करते हैं भी जड़े लोग एहो जे बंदे झूठे बयान दिंदे आ मुद्दा कड़ा हुंदा चाहिए हैगा वा इन्हां लोगों ते तुरंत जड़ा परचा करके इन्हां नूं जेलां सुटना चाहिए वा। एकता पार्टी ये मंग करदी सरकार कोलों।